राहुल जी आ रहे हैं, हम सब हैं ही, और सारे के सारे लोग चलेंगे, यहाँ के जनता चलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, जो एनजीओ चलाते हैं वो चलेंगे, आम जनता राहुल गांधी जी के साथ चलेगी, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हम जो फ्लैग हैंड ओवर करने का जो कार्यक्रम है उसमें हम शामिल। सर, यात्रा का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? शानदार मिल रहा है भाई। जो मुद्दे हैं वो जो युवा के, किसान के, रोजगार के, श्रमिक के, महिला के, भागीदारी के, ये पूरे देश के लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये प्रमुख मुद्दे थे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में इन सब मुद्दों के ऊपर। युवा के लिए रोजगार का उन्होंने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महिला के मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो आज वो सारे के सारे जो बातें हैं वो गौण हो गई हैं, और चुनाव लड़ने के लिए केवल नए मुद्दे तलाशते हैं, जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं और होता है, भ्रमित करने का काम करते हैं लोगों को, और मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और इसी तरीके की राजनीति करके, और वो अपनी वोटों की फसल काट के आए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है और पूरे देश में एक वातावरण बन गया है कि मोदी जी जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, और मुद्दों की बात नहीं करके और मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बातें ज्यादा करते हैं। तो अब एनडीए नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए।